भाई साहब लेता हुआ था रोड से 100 मीटर आगे बस पर्दे पर सो दैट इज सच पास, ये कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं और धीरे से धीरे चलते हैं। अभी तो बाइक ऑलमोस्ट टिप ओवर हो गई थी मेरी, रोड नीचे जाती हुई अच्छी लग रही है देखने में। करे हैं आज हमने सिर्फ 60 किलोमीटर अभी तक, बट जो रोड की क्वालिटी है आप लोगों ने आज देखी है। कल की राइड के बाद आज के 60 किलोमीटर्स भारी लग रहे हैं, अभी 40 और रहते हैं बिफोर रीचिंग किलार। अच्छी खासी सर्दी है दोस्त, अच्छी खासी सर्दी है। हीटेड ग्रिप्स ऑन करो। और ये पास तो सिर्फ 2-3 महीने खुलती है साल में, मे बी 3-3.5 मंथ्स, उसके बाद फिर बर्फ। टेक्निकली देखा जाए तो मुझे सच पास की जो असेंड और डिसेंड इज मच मच टफर देन खारदुंगला। खारदुंगला तो हाइप लगता है, पर उधर रोड बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये रोड जो है ना खल सच पास की इज रियली अ टेस्टिंग रोड। नीचे देखो पूरा बर्फ से कवर्ड है, इस एरिया में तो लगता है धूप आती ही नहीं है, बहुत कम आती है। ये जो डिसेंड होता है ना, इसमें स्पीड को कंट्रोल करना भी एक मस्त मस्त चैलेंज है। Use the first gear as your brake and this first finger to maneuver through these descents. जो heated grips हैं they are such a big boon in this environment. अभी तो heated seat भी है तो वो करके देख सकते हैं, मज़ा आएगा। लो वो भी आज कर दी, यही मज़ा है यार बाइक पर राइड करने का। थक रहा हूँ मैं डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा मैं थक नहीं रहा, बट इसी को एडवेंचर कहते हैं यार। गाड़ी पे कहाँ फीलिंग है ये सब करने की, यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेचर, डीलिंग विद दिस डस्ट, एक्सपीरियंसिंग द फ्रेशनेस ऑफ द एयर ऑल अराउंड इन दिस वैली इज व्हाट आई कॉल एज एक्सपीरियंसिंग माउंटेन्स। साइकिल पे करो, बाइक पे करो, जिससे मर्जी करो यार, एसी में बैठ के थोड़ी ना होती हैं चीज़ें। व्यू देखो सामने का यार, सुपर व्यू, सुपर। आई थिंक दोज आर द ढाबास डाउन देयर वेयर आई विल बी एबल टू गेट सम लंच यार। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, लॉन्ग राइड एंड प्रिटी हंग्री। 4 PM और देर इज अ ढाबा, चाय तो मिलेगी, चाय मिलेगी शायद, मे बी। मिलेगा कुछ, धन्यवाद। देखें क्या है मेन्यू में, कुछ तो होगा भाई साहब, क्या मिलेगा खाने को ये बताइए। ओह हैं, राजमा और चावल और चाय। ये थोड़े से राजमा कम नहीं है इसमें, हल्के से हल्के से थोड़े से और डालना। आप लोग एक जगह काम करते हैं ना? हाँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। यू विल गो टू पदम एंड देन कौन सा कारगिल, कारगिल से वाली रोड, पदुम से कारगिल वाली रोड जाने देंगे, आए थे रोकेंगे क्या? ये बोलेंगे अभी हिमाचल से आ रहे हो, हमारे जे एंड के में आप कोरोना फैला रहे हो, चाहिए ना कोल्ड कॉफी बना देते हैं।
अब तो मैं वही पूंगा सीधे वही वाली which is made with titration tubes in chemistry lab झटके नहीं पड़ रहे थे ड्यूक में भेज दे टाइगर भेज दे ड्यूक ले ले मैं बता रहा हूँ यार मेरे तो थकान बहुत है ना कल की वो नहीं उतरी मेरी उधर इट्स जस्ट माय विल दैट इज पुशिंग मी अलोंग जस्ट 16 आवर्स यू रोड यस्टरडे तो इतने हो तो मैंने हीटेड सीट भी ऑन कर ली थी फुल अभी नीचे से गर्म हो रहा है हाथ गर्म हो रहे हैं नीचे से कैसे गर्म हो रहा है सीट सीट भी गर्म होता है हाँ क्या बात कर रहा है सारे में से तू ही लेगा एसी है साले कल पूरे धूप में हाईवे पे एसी में नाचा तू इसके टोन में कितना था चिड़ चढ़ापन था गाड़ी में आए हैं भैया और कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया बाइक पे आए हम दिल्ली से हालत खराब हो गई कंधे दर्द हो गए हैं सही बोला बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब लेटा हुआ था रोड से 100 मीटर आगे बस पर्दे पर सीरियस नहीं था दस पास कब आएगा लेट जाओ टर्न के बाद दस पास है मुझे जेसन ने 15 बार ही बोला है कि अरे कट आ गया अरे कट आ गया अरे कट आ गया मैं बार बार ही वीडियो ऑन करके बैठी हूँ जब ये आया ना वहाँ पे मैं लेटर आऊँ ये भी कह रहा है यार एक जगह पे तो ऐसा लगा कि हम माउंटेन के इस फेस से इस फेस पे आए हैं तो लगता है निकल गया होगा पर कुछ लिखा हुआ नहीं आया कुछ नहीं आया तो मैंने कहा हाँ भाई निकल ही होगा अब तो मेरे को नीचे जाता हुआ भी दिख ही रहा है तो क्या पता नीचे ही जा रहे हो सो राजमा चावल खा लिए हैं और पेट भर गया है बहुत बेटर लग रहा है अब और अब यहाँ से चलते हैं ओए यो एकदम बढ़िया फ्रेश पानी और इसका फ्लो बहुत ही बढ़िया है यार देखने वाला फ्लो है इसका मैं सीरियसली कह रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लद्दाख वद्दाख भूल जाओ ये है रोड ये है जगह आने वाली यहाँ पे इट इज रियली टफ क्रैप भगाओ मिस्टर झरना यू आर हेयर अगेन ओए 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 ब्यूटिफुल डायरेक्टली ऑन द रोड एंड वी आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ लव्ड इट वो रहा देखो वाटरफॉल दिखाने के चक्कर में बाइक की देखो क्या हालत हुई है बाइक गिर गई हल्का सा मैंने उधर देखा गई साइड स्टैंड नीचे करते हैं आज होने वाला है तेरा टेस्ट This is fine. रोड पे ध्यान रख भाई रोड पे प्लीज इन सो द बागबस्टर्स एंड द जाना क्रैश गार्ड इज वर्किंग फॉर मी एब्सोल्युटली फाइन टिल नाउ दिस इज लिटिल इजियर आई वुड प्रेफर दीज रॉक्स एनी डे ओवर द सैंड बिकॉज इन द सैंड द फ्रंट टायर tends to wash out very easily for me oh this is crazy just having fun if you have been watching this video till now I would say like the video subscribe to the channel and keep supporting me main yahan thuka hu abhi thuk gaya kahan pe mod pe kahan thuka ye bhi thuka hai abhi हाँ तो क्या गिरा क्या मोड़ में घुस गया क्योंकि मोड़ में घुसते हैं मुझे जाने की तुम्हारी हिम्मत होती नहीं है यार मैं सोच
नाला नीचे उतर जाता है फिर एक और खाई आ जाती है। चलो अभी कितना रहता है अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच इज किलार? तो चलो जाना, क्रैश गार्ड की पूरी टेस्टिंग हो चुकी है भाई इस बार, मतलब दूसरी बार तो अच्छे से गिरी है मजेदार। आज इस बार शुक्र है ग्लव्स पहने हुए थे मैंने, ये देख रहा, नहीं तो ठुकता मैं। कितना अनप्रिडिक्टेबल रोड है यार, मतलब पता ही नहीं है क्या आ रहा है। कभी एकदम से सैंड आ रही है, कभी ऐसी रोड आ रही है जहाँ तेज चला लो, फिर एकदम से मोटे मोटे पत्थर आ रहे हैं। दैट्स हाउ यू मेक स्टोरीज, ट्रैवल स्टोरीज, राइट? थिंग्स यू रिमेंबर व्हेन यू रीच बैक टू द कैओस ऑफ अ सिटी एंड रिटर्न बैक टू योर वर्क लाइफ, दीज आर द स्टोरीज दैट यू रिमेंबर। मैं तब वहाँ गिरा था, उस समय ऐसी रोड आई थी, तब मैंने ये गलती करी थी। दैट्स ऑल द फन, राइट? Evenings in the mountains. So this is really unfortunate. The Harrier has got a second puncture, and the puncture happened in the new tire. And it's not a normal puncture. The tire got slit from three places. So the brand new tire that costed 10,000 rupees from Ludhiana, it's again useless now. The Harrier is now without a stepney. I think these guys will have to buy another tire now from maybe Kelong or Tandi. Without a stepney, without a spare tire, we can definitely not go to Shinkula. So our friend who is riding a Duke 390, he has some connection here in Kilar. So he has managed to get us a place in the PWD guest house, and that's where we are going right now. So I am on this bridge and a river is flowing beneath this bridge, or whatever, a waterfall or a big stream, and let me just let you hear the sound of water right now. Can you hear it? Wow, this is so pure, I just love it. Yo, aa gaye, ye hai PWD guest house. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, झकास, इससे अच्छा नहीं मिल सकता ऐसे अंधेरे में कमरा। कौन सी दाल है? ओह यम्मी, खुशबू बहुत अच्छा है। कौन सा? भाई आज सिर्फ 110 किलोमीटर करे होंगे और बैंड बज गया, टोटल बैंड बज गया जैसे कहते हैं ना।